इस वक्त गाजियाबाद के एडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के तुराब नगर मार्केट में एक अपर जिला मजिस्ट्रेट के साथ आए दो युवकों ने दुकान में दो सेल्समैन की जमकर पिटाई की। पिटाई के साथ धमकी भी दी। युवकों ने दोनों को कई थप्पड़ मारे। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही शॉप के मालिक को भी हड़काया गया। इससे पहले दोनों सेल्समैन को एक दिन के लिए थाने में बंद करने की भी बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि एडीएम की पत्नी का इन सेल्समैनों से शॉपिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ। इसके बाद दुकान पर मौजूद सेल्समैन ने महिला पर गलत कमेंट किया। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों पर कमेंट करने की पूर्व में भी कई शिकायतें आईं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पश्चिम के एक जिले में तैनात एडीएम का परिवार इंदिरापुरम क्षेत्र में रहता है। उनके यहां कोई घरेलू आयोजन होना है, जिसके चलते उनकी पत्नी 4 दिन पूर्व तुराब नगर मार्केट में एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर खरीदारी के लिए आई। आरोप है कि इस दौरान एक सेल्समैन ने उन्हें लेकर कोई कमेंट किया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और इसके बाद इस तरह की वीडियो भी सामने आई। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों सेल्समैन को हिरासत में लिया। बाद में एडीएम के कहने पर दोनों को छोड़ दिया गया। बुधवार को एडीएम अपने दो साथियों के साथ दुकान पर पहुंचे और सेल्समैन साजन और आशु की पिटाई करने के साथ ही दुकानदार को भी हड़का दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एडीएम काउंटर पर खड़े हैं और उनके साथ आए युवकों ने दोनों सेल्समैन का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस दुकान में कई महिलाएं भी शॉपिंग करने आई थी, उनके सामने ये सब हुआ। मारपीट और ड्रामा देख महिलाएं भी सहम गई। दोनों सेल्समैनों को सबक सिखाकर एडीएम और उनके साथ आए युवक वहां से चले गए। वही दोनों सेल्समैन ने कहा कि वे उनके लिए कोई कमेंट नहीं कर रहे थे। मैडम अचानक नाराज हुई, फिर बिना शॉपिंग किए चली गई। एसीपी कोतवाली सुजीत कुमार रॉय का कहना है कि मामले में अभी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर या सूचना नहीं मिली। वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेकर जांच करवाई जा रही है। शिकायत मिलते ही कार्रवाई होगी।